अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाइस। आईफोन 6s और आईफोन 7 यूज़र्स के लिए एप्पल ने एक नया लेटेस्ट अपडेट रोल आउट करा है। 15.8 का ये नया लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपको अभी तक ये अपडेट शो नहीं हुआ है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप इस अपडेट को कैसे शो कर सकते हो। उस वीडियो को वॉच करके आपको ये जो अपडेट है शो होना शुरू हो जाएगा आईफोन 6s और आईफोन 7 के ऊपर। सो बात करते हैं इस अपडेट में आपको कौन से नए फीचर्स, नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं 6s और आईफोन 7 के लिए और आईफोन 7 प्लस के लिए। तो यहाँ पर इस अपडेट का जो साइज़ रहने वाला है छोटा ही है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। 227.2 MB मेरे को रिसीव हुआ है आईफोन 7 के ऊपर, क्योंकि ये जो अपडेट है ये मैंने अपडेट करा है 15.7.9 से, इसलिए आपको इसका साइज़ थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस अपडेट में कौन से चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नया बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है इस अपडेट में नए iOS वर्जन के साथ। लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर चेंज करे गए हैं। उसके बाद बात आती है इसकी आईफोन की स्टोरेज के बारे में। आईफोन की जो स्टोरेज है वो मेरे को 3 से 4 GB तक की फ्री होकर देखने को मिली है। पहले वाले अपडेट में 27 GB थी जो यूज़ हो रखी थी, अब वाले अपडेट में 24 GB यूज़ हो रखी है, मतलब कि 4, 5 और 6, 7 3 GB मेरे को फ्री होकर मिली है आईफोन 7 के ऊपर। और साथ में इस अपडेट में आपको एक नया बग देखने को मिलेगा जो कि सिस्टम डेटा कैलकुलेटिंग का है। कैलकुलेटिंग ही शो करी जा रहा है, ये कैलकुलेटिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें भी पुराने अपडेट्स की तरह आईफोन की स्टोरेज का बग भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी हेल्थ के बारे में। तो बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई है या नहीं, तो पहले ही सरफेस के ऊपर ही है, 70% है। पहले भी 70 थी, अब भी आपको 70 देखने को मिल रही है। कोई भी आपको बैटरी से रिलेटेड ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा जब आप इस अपडेट को इंस्टॉल करोगे। और साथ में जो प्लस पॉइंट ये है इस अपडेट का कि ये जो अपडेट है इंस्टॉल होने के टाइम इसने ज़रा सी भी हीटिंग नहीं प्रोवाइड करी है जितनी हीटिंग होनी चाहिए। ज़्यादा हीटिंग होती है मेरे आईफोन 7 पे, बट इस वाले अपडेट में मेरे को इतनी ज़्यादा हीटिंग जो है वो महसूस नहीं हुई है। इसीलिए आपके केस में भी सेम टू सेम होने वाला है, इतनी ज़्यादा हीटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसे चार्जिंग से भी कनेक्ट करा था उसी टाइम के ऊपर, इसने थोड़ी सी हीटिंग की है, उसके बाद मेरे को कोई भी हीटिंग देखने को नहीं मिली। बात करते हैं ये अपडेट एप्पल ने क्यों पुश किया है। तो iOS 17 के बहुत से नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, साथ में एप्पल ने पुराने डिवाइसेस को भी ऑप्टिमाइज रखने के लिए, उनके अब बग्स को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए ये अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करा है अपने आईफोन 6s और आईफोन 7 और 7 प्लस के लिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने डिवाइसेस हो चुके हैं और उनकी सिक्योरिटी को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए ये जो अपडेट है पुश करता है एप्पल। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट है और हर एक डिवाइस के लिए रिकमेंडेड है जो कि ये अपडेट को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप यूज़ करें 6s और आईफोन 7 को तो इस अपडेट को ज़रूर इंस्टॉल करें। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।